में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे कीमे का कबाब। कच्चे कीमे के कबाब के लिए मैंने 200 ग्राम कच्चा कीमा लिया है, जिसको इस मिक्सी में पीस लिया है। 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल लिया है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच से भुने हुए चने का बेसन, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मुट्ठी धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले 1 नींबू का रस। सबसे पहले कीमा को मिक्सी के जार में डाल दूँगा। उसके बाद इसमें हरा धनिया और कटा हुआ प्याज ये भी डालूँगी। अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट और साथ में ये सारे मसाले इसमें से डाल दूँगी। ये तेल इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। नींबू का रस इसको मैं इस तरह से निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। तब इसको मिक्सी के जार में के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था। कबाबों का सेप दे रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे कबाब को बना के ये बहुत ही अच्छा टेस्टी कबाब होगा। तो ये देखिए कबाबों का शेप इसी तरह से दूंगी। सारे कबाब को इस तरह से बना लूँगी। मैंने सारे कबाब को तैयार कर लिया है। अब इसको हल्के तो ये देखिए तेल पक चुका है। अब कढ़ाई में एक एक करके डाल रही हूँ। तो मैंने सारे को डाल लिया है। थोड़ा सा इसको पकने लूँगी। इसके बाद इसे साइड को लग लूँगी। इस तरह से 2-4 मिनट और इसके साइड को लग लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कबाब होगा। इसको लो फ्लेम से पकाऊँगे ताकि अंदर से कीमा कच्चा न रह जाए। कबाब मेरा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब होगा। मेरा कीमा कबाब, कच्चे कीमा का कबाब तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज।